गाइस कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपको बेटा करने लेके आई आपके रेट से एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो हमेशा की तरह। सो गाइस आप लोगों को पता ही है हम लोग यार इंस्टाग्राम पे सबकी हेल्प करते हैं, जिनके भी जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो डीएम करते हैं, उन पे हम रिवर्ट बैक करते हैं। तो उनमें से यार एक मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई है, जिससे मेरी 7 दिन से इंस्टाग्राम पे बात हो रही है और इन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर करी है। जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही सीरियस है और जो प्रॉब्लम है वो यार आप इनके मुँह से खुद ही सुन लो। तो आप बता दो क्या सीन चल रहा है आपके हस्बैंड के साथ, क्या नहीं और कितना टाइम हो गया, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग जो आपको प्रॉब्लम है। सामने कैमरा लगा है। तो फाइनली मैं आज ये बताने जा रही हूँ कि मेरी शादी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ओनली 3 मंथ्स हुए हैं। और मेरी ये कहते हैं मुझे बड़ी शर्म सी आ रही है कि मेरी शादी में अरेंज मैरिज नहीं हुई थी, लव मैरिज हुई है और उसके बाद भी मुझे ये सब फेस करना पड़ रहा है। मेरा पति मुझे चीट कर रहा है, साथ में वो बहुत सारा दहेज भी मांग रहा है। वो ऑलरेडी बहुत सारे पैसे हमसे ले चुका है पर वो मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहता और वो चाहता है कि मैं उसे और पैसे ला कर दूँ तभी वो मुझे छोड़ेगा। ओके। तो मैंने आज अपनी बहुत अच्छी दोस्त की हेल्प ली है रिट्स की, जिससे मैं उसे एक्सपोज कर सकूँ और डिवोर्स लेने में वो मेरी हेल्प कर पाए। आई होप कि ये चीज़ मेरे बहुत काम आए। तो आप ये चाहते हो कि हम लोग कैमरा लगा के उनको एक्सपोज करें, रंगे हाथ पकड़े और ताकि कल को वो आप पे ब्लेम करता है, आपको डिवोर्स नहीं देता है, देन आप ये एविडेंस है आगे कंप्लेन कर सकते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक काम करो, किसी भी कंडीशन में एनी हाउ अपने हस्बैंड को यहाँ पे बुलाओ, क्योंकि 8 दिन से इनकी कोई बातचीत कुछ भी नहीं हो रहा है और वो जो उसने बंदी पटा रखी है उसी के साथ ही बिजी है यार, वो चीट कर रहा है जैसे इन्होंने बताया आपको। तो एक काम करो, कॉल लगाओ, कुछ भी बोलो, एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि ऐसे तो वो आएगा नहीं क्योंकि तुम्हारे लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं। तो ऐसे बात करो कि एक्सीडेंट हो गया, पैर पे लग गई, कुछ भी एक्स वाई जेड जो बोलो, बट उसको इस लोकेशन पे बुलाना है हमको किसी भी कंडीशन पे, तब भी हम उसे एक्सपोज कर पाएंगे। अब इस वीडियो में चाहे पूरा दिन लग जाए, समझ रही हो ना? जी मैं बिल्कुल पूरा ट्राई करूंगी क्योंकि हमारी इस दौरान बिल्कुल बात नहीं हुई है। आई होप कि वो मेरा फ़ोन उठा ले और मेरे कहने पर वो अगर थोड़ा सा भी मुझसे प्यार करते होंगे तो मुझसे मिलने ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो आप फ़ोन करो। हाँ लगाओ, स्पीकर पर रख देना क्योंकि पब्लिक सुन लिया सारी सामने। यार एक बात बताओ यार, स्पीकर करो। प्यार होता आज भी आप प्यार बोल रहे हो, प्यार होता तो चीटी क्यों करता और मतलब शादी पैसों के लिए क्यों करता? हेलो हेलो, हाँ जी कहाँ पे हो? मैं यहीं पर हूँ, बोलो। मुझे आपसे मिलना था। क्या हुआ? बहुत ज़रूरी काम है, आप क्या आ सकते हो यहाँ पे? कहाँ है? हम मम्मी के घर पे, मम्मी के घर के पास जहाँ हम हमेशा मिलते थे हम वहीं पर हैं। मैं आपको लाइव लोकेशन भेज देती हूँ, आप उस एड्रेस पे प्लीज़ जल्दी आ जाओ, बहुत अर्जेंट काम है प्लीज़। ठीक है ओके। सो फाइनली बंदा आने के लिए रेडी हो गया। तो अब हमें क्या करना है, वेट करना है, इनका बहुत ही सीरियस मैटर है यार, तो हमको वेट करना है और देखते हैं वीडियो के रिएक्शन कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, सामने लड़के का क्या रिएक्ट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, यूट्यूबर बता रहे थे ना जी, तो ये तो बहुत ही अलग चीज़ लगी, सबसे ज़्यादा अलग मुझे यही लगी कि बंदा यूट्यूबर है। चलो ठीक है, यूट्यूबर का नाम खराब मत करो यार, छोड़ो प्लीज़। तो वेट करते हैं और लेट्स सी क्या होता है। यार तुम तो आते ही पैसों की बात कर रहे हो ना। यार मैं आए पैसों के लिए हूं, मैं क्यों आऊंगा यहां पे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तेरे साथ रहने का, पैसे चाहिए मुझे। तो यार तुमने आते ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, कैसे यार, नहीं कैसी हो, क्या अर्जेंट काम है, मतलब बिना कुछ पूछे तुम बस मेरे लिए ना, मेरे लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट पैसा है और मैं पैसे के लिए ही आया हूँ, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है। यार कैसी बात कर रहे हो, अभी तो हमारी शादी को 3 महीने हुए और तुम कह रहे हो कि तुम्हें मुझसे मतलब नहीं है, तो तुम्हें किससे मतलब है फिर? यार मुझे बस पैसा चाहिए था, तेरे बाप के पास अच्छा पैसा था इसलिए मैं तेरे साथ था। मतलब आप पैसे, आपने मुझसे शादी पैसे के लिए करी है, आप ये कहना चाह रहे हो? और क्यों करूंगा मैं, मेरे को क्या चाहिए, हर इंसान की लाइफ में पैसा जरूरी होता है, पैसा मिल रहा है मेरे को और क्या चाहिए। और ये जो आप मुझे पीछे पीछे चीट करते हो उसका क्या, जो कॉल उठाते मैसेजेस जो मर्जी है, मैं तो ऐसा सिर्फ टाइम पास कर रहा था, पैसा आ रहा था, बाकी यार बाहर तो हर कोई एंजॉयमेंट करता है, वो कर रहा था मैं। ओके मतलब आप एंजॉयमेंट करने के लिए यहाँ पर आए थे। यार एंजॉयमेंट करने के लिए आपने शादी कर ली? आप कौन होते हो मैडम? मैं इसकी दोस्त हूँ, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। क्या वो बहुत, मैं नहीं करूंगा किसी दोस्त आगे वो, ठीक है मैं नहीं जाता इनको, यहाँ बैठना है, बैठो एक बार बात करनी है मेरे को, बैठो। हाँ बोलो। बैठो यहाँ पे ना, सारी हेकड़ी निकाल दूंगी, ज्यादा चिल्लाया आप कौन हो मैडम, आप हो कौन मेरे को ये बताओ, आप हमारा ये हमारा पर्सनल मैटर है, पर्सनल मैटर है, मैं समझ रही हूँ भाई। हाँ। मेरी बात सुन, जब तेरे को प्यार ही नहीं था, तूने तू लव मैरिज करी है ना तुम लोगों ने, जब तेरे को प्यार ही नहीं था तूने शादी क्यों करी है?
आपका क्या मतलब बताए? आप ये बताओ आपका क्या मतलब बताए? हमारी अब पर्सनल प्राइवेट भाई यहाँ पे कुछ नहीं रह गया। अगर पर्सनल प्राइवेट होता ना तो तुम अपने घर में जाके अपनी ये जो रोने चल रहे हैं ना तो अपने घर में जाके सुलझाते। मैं खुद आया हूँ यहाँ पे। इसने बुलाया मेरे को, पब्लिक मुझे इसने बुलाया, मैं खुद नहीं आया। ठीक है, और तेरे को मैंने नहीं बुलाया भाई। तू करके बात ना कर तमीज से भाई। मैं बोल रहा हूँ मैंने नहीं बुलाया भाई। बदतमीजी पे आ गई। मैंने बुलाया नहीं। तुम घर की बात कर रहे हो ना, इसने यहाँ पर बुलाया तो आया हूँ मैं। ठीक है भाई, मैंने तेरे को नहीं बुलाया। इसने तेरे को नहीं बुलाया। ठीक है, मेरी बात सुन। तू भाड़ में गया सौदा। ठीक है, तू ये बता, जब तेरे को प्यार ही नहीं था, 1% लड़की से प्यार नहीं था, तूने लव मैरिज से क्यों करी? मुझको पहले इस चीज का पैसा चाहिए था। मेरे लिए पैसा इंपोर्टेंट है। दहेज पे कितना पैसा लिया तूने? जितना मर्जी लिया है, तुम्हें क्या लेना देना उससे? 8 लाख रुपए लिए और 3 महीने में उन्होंने हर बार 2-2 लाख रुपए से ज्यादा रुपए लिए हैं घर वालों से। शर्म नहीं आती यार मेरे को? मैं बोल रहा हूँ पैसा इम्पोर्टेंट है मेरे को। पैसा होगा ना सामने वाले। ओ हेलो, तमीज से बात कर। ठीक है, तमीज से बात कर। वाह, तालियां बजाओ तेरे बहन पे। तो तमीज से बात कर ले। ठीक है ना, बहन पे तो बड़ा गुस्सा आ गया। बात तेरे से नहीं हो रही ना, हमारा पर्सनल मैटर है। उसका भाई नहीं है, उसका भाई नहीं है, उसको गुस्सा नहीं आएगा क्या? तेरा पर्सनल मैटर है। बात सुन, उसके बाप पे क्या बीतेगी? तेरे पे इतना भरोसा करके अपनी बेटी दी थी, इसलिए वो अपनी मर्जी से आई थी। मैंने नहीं किया था, उन्होंने लव मैरिज किया मेरे साथ। वही घर वालों ने वो अपनी मर्जी से करी है। उसने अपनी मर्जी से किया था मेरे को भाई। सिर्फ उसकी सहमति से तो थोड़ा हुई थी लव मैरिज। लव मैरिज तो तेरी सहमति से भी हुई थी। उसने भी कुछ सोचा होगा। जब दोनों सहमत होते हैं, जब दोनों एग्री होते हैं, तभी तो शादी होती है ब्रो। ऐसे थोड़ा शादी हो जाती है। दिमाग नहीं था क्या यार? जब मैं उसको पता है भाई, उसने गलती हो गई ना, उससे गलती हो गई भाई। उसकी गलती है ना, मैं हाथ छोड़ रही हूं। आपका मतलब नहीं बनता, आपका मतलब बनता ही नहीं। अंधविश्वास कर लिया ना उसने, इसलिए यही गलती है उसकी। ठीक है, तुम चुप रहो। ठीक है, अंधविश्वास कर लिया उसने, ये गलती करी है उसने। ठीक है, अब ये बता, तू आगे हो चल। तू अपने शहर का गुंडा है। मेरी बात सुन भाई, एक बार मेरी बात सुन। आगे देख यार, तुझे इतना प्यार नहीं था ना 1% भी, तो तेरे को शादी नहीं करनी चाहिए थी पहली बार। ठीक है, अब जब तूने कर लिया ना, तो उसको निभाना सीख ले। और ये पैसा पैसा है ना, आनी जानी चीज़ है। वो बंदी ना इतने दिनों से परेशान है ना, वो लड़की इतने दिनों से परेशान है ना, तो अपने बाप को बता सकती है ना अपनी माँ को बता सकती है, क्योंकि यार इसकी मर्जी से हुई थी। अब वही है ना कि लड़की अगर लव मैरिज घर वालों के खिलाफ जाके करी है तो वही फंस जाती है। तेरे को अपनी बहन पे बोला, तेरी बहन के लिए बोला, तेरे को कितना गुस्सा आया? सोचते कोई सामने वाला इंसान तेरी बहन के साथ ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा तेरे को? बता दे आपका क्या मैटर बनता है बोलने का? मैं आपका भी खून कर दूंगा, मुझे तो ये लग रहा है। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी भी। सीरियसली मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहती, पर तेरे बीच, तेरे और किसी और के बीच, दोनों के बीच कोई पर्सनल प्राइवेट रह ही नहीं गया। अगर होता ना तो तुम अपने घर पे जाके सुलटाते ये चीजें। ठीक है, बात अगर पैसे की थी तो इसने बुलाया। उसके अलावा चीट क्यों कर रहे हो मुझे? यार देख, मुझे बुलाया तो इसने बुलाया, क्योंकि भाई मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जो रिलेशन खराब हो रहा है ना 3 महीने का, वो ना अच्छे से निभे यार। जिंदगी भर तुम साथ रहो, मैं ये चाहती हूँ बस। मैं तुम्हें ना यहाँ पे किसी को एक्सपोज नहीं कर रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ अगर तूने प्यार में शादी करी थी तो उसको निभा। पैसा आने जाने चीज़ है, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या करेगा पैसे का यार? चाटेगा क्या इतना पैसा? क्या यार तू यार, उसकी हर इंसान की लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट रहता है। पैसे के बिना किसी को इंपॉर्टेंस नहीं। एट द एंड एक लाइफ पार्टनर चाहिए होता है ब्रो, जिसके साथ तुम पूरी जिंदगी काटते हो। एक फैमिली चाहिए होती है। वो पैसा फैमिली नहीं खरीद सकता ब्रो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपका वो पैसा ना आपको बीवी दे सकता है अच्छी, जो आपके लिए लॉयल रहे, ना ही खुशियाँ दे सकता है। प्लीज ये चीजें करना बंद करो। और इसने मेरे को बताया आप यूट्यूबर हो, क्यों यार यूट्यूबर का नाम खराब कर रहे हो? और एक चीज बताना चाहती हूँ, सामने ना कैमरा लगा हुआ है, मैं भी यूट्यूबर हूँ एक, और मेरा ना रेड जमन के नाम से चैनल है, और उसने मेरे से ना 10 दिन से हेल्प मांग रही है। वो बंदी इतना रो रही है ना हर दिन मेरे से। ये मेरा मजाक बना रही है YouTube मतलब वीडियोस बना रहे हो मेरी तुम यहाँ? नहीं ब्रो, हम तुम्हारा मजाक नहीं बना रहे, हम बस तुम्हें एक चीज समझाना चाहते हैं। अगर तुम प्यार से समझ गए तो बढ़िया, और अगर तुम प्यार से नहीं समझते ना, तो ऐसे 36 लोग मैं सुधार चुकी हूँ अभी, और शक्ल के साथ जब वीडियो डालूंगी ना तो सारी रेपुटेशन जो बनाई है ना। नहीं मतलब इतनी सी बात है कि इसने मतलब आपको बुलाया है ताकि मेरी वीडियो बना के वायरल कर दे मेरे को इस चीज से कि ये कितना मतलब घटिया आदमी है, इसकी नजर में नहीं, इसलिए वो कर रही है ये चीज़ है ना। ये मेरी बात सुनो, नहीं बुलाया कि मैं आपकी हंसी बना सकूं। मैं ये चाहती हूं कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, और ये जो आप पैसे मांगते हो ना वो मांगना बंद कर दो, क्योंकि ऐसे चलता रहेगा तो वो डिवोर्स दे देगी। और मुझे पता है इससे तुम लड़कों को तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता डिवोर्स से, तुम कोई और लड़की देख लोगे, तुम कहीं और शादी कर लोगे। पर यार सच्चा प्यार है ना, वो किस्मत वालों को नसीब होता है। अगर वो करती है ना प्यार, रिलेशन बचाने की कोशिश करी है, तो यार 0% तो नहीं, 2% 100 में से 2% तो एफर्ट्स तुम भी लगाओ यार प्लीज़। भाई मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी, पर मैं हाथ जोड़ रही हूँ, तेरी बहन जैसी बोलती हूँ मैं, तू मेरा भाई यार से। प्लीज़ यार भाई,
रिलेशन निभाओ, कुछ नहीं मिलना इन सब चीज़ों में, ख़त्म करो ये सब चीज़ें। और यार यूट्यूबर हो, वीडियोज़ डालते हो, अच्छी चीज़ है। मैं यहाँ पे कैमरे के आगे एक्सपोज नहीं कर रही आप क्या चैनल है आपका, क्या है फलाने टिकाना, भाड़ में गया ठीक है, पर प्लीज़ अगर शादी करिए ना, लव मैरिज करिए, तो निभाना सीखो, क्योंकि बसाना आज के टाइम में ना बहुत मुश्किल है। और ये पैसा वैसा कुछ नहीं है, वो जॉब करती है, वो कमाती है, तुम जॉब करोगे, तुम कमाओगे, तो मिल के जो ज़िंदगी चलेगी ना, वो एक नॉर्मल लाइफ चलेगी, बहुत मज़ा आएगा उस ज़िंदगी में, क्या करोगे इतना पैसा। और तू सुना ये बताते कि तुम चीट भी कर रहे हो उसको, तो यार मैंने बोला मेरी पर्सनल लाइफ है यार, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि एक बंदे की मैं जो मर्जी कर रहा हूं। ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं एक लड़की ना, लेकिन ये चीज़ सहन कभी नहीं कर सकती कि उसका जो बंदा है, उसका जो हस्बैंड है ना, वो किसी और लड़की के पास हो, ये एक औरत कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। फिर तो उसको डिवोर्स दिलाना ही पड़ेगा अगर तुम नहीं सुधर सकते तो, क्योंकि ये दूर से जो सोना लगता है ना, वो सोना नहीं होता, पीतल होता है ब्रो, ठीक है। और ये तुम्हारी वाइफ है, इज्जत करना सीख लो। और वो लड़की जिसके तुम चक्कर में पड़े हो ना, हमने सारी इंक्वायरी निकाल दी, वो खुद भी मैरिड है, सोच जब वो अपने पति की नहीं हुई तो यार तेरी कहाँ से हो जाएगी, सोचना इस चीज़ को। और ये बंदी इतना होने के बाद वो रो रही है, इतना होने के बाद भी वो तुझसे रिश्ता निभाना चाहती है, वो ख़त्म नहीं करना चाहती, समझ रहे हो बात को। प्लीज़ हाथ जोड़ के तहे दिल से विनती है आपसे, अपना रिलेशन बचा लो, ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं, नहीं मिलते। प्यार था इसलिए उसने शादी करी है, प्यार था इसलिए उसने दो दो महीने बाद दो दो लाख रुपए दिए, प्यार है ना, प्यार में ही होता है सब। साथ रहो प्लीज़, प्रॉमिस करो ब्रो मुझसे कि आज के बाद ये सब छोड़ दोगे। जो लड़की अगर शादीशुदा होकर तुम्हारे साथ है ना, तो मतलब वो अपने पति की भी नहीं है यार, तुम्हारी कहाँ से हो जाएगी, समझो। और ये बंदी कितना प्यार करती है, समझ रहे हो। और पैसा हर चीज़ नहीं होती भाई, ठीक है। और अगर गलती हो गई एक्सेप्ट करते हो, मुझे बस यही चाहिए था, क्योंकि यार जो चीज़ें गुस्से में हो सकती है ना, वो लड़ाई झगड़ा करके एक्सपोज करके ना, कभी हम उन चीज़ों को सही कर ही नहीं सकते। तो अब से मतलब प्लीज़ छोड़ दो ये सब चीज़ें, चीट वीट करना। इसीलिए ली थी कि ताकि आपको ये चीज़ रियलाइज हो जाए कि आप कितना गंदा कर रहे हो, एक चीट करना बहुत गलत चीज़ होती है, ठीक है। आप रिलेशन में आए, अगर आपको नहीं करनी थी शादी, आप पहले ही मना कर देते अगर आपको चीट ही करना था, पर अब कर लिया ना तो निभाओ, और खुशी खुशी। आपको अपनी गलतियाँ रियलाइज है, या फिर आप इसलिए बोल रहे हो कि सामने कैमरा लगा हुआ है और वहाँ पे 16 लाख लोग देख रहे हैं, तो डर के मारे कि ये वीडियो ना डाल दे इसलिए बोल रहे हो? आर यू श्योर? पक्का? तो साथ रहोगे? खुश हो जी? तो घर जाओ और अपनी वाइफ को घर लेके जाओ, 8 दिन से घर नहीं लेके गई, खाना नहीं खाना या खुश रहोगे? पक्का। और अगर मुझे पता चला कि ये बंदा धोखा दे रहा है या फिर, तो सीरियसली मुझे एक कॉल कर दियो बहन, इसकी शक्ल के साथ वीडियो डालूंगी। मैं ये धमकी नहीं दे रही हूँ, वैसे धमकी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर करना मत प्लीज, है ना। कहते हैं ना लातों के जो भूत है ना, वो बातों से मानते नहीं है, बाकी लेक्सी। तो खुशी खुशी जाओ, ठीक है, चलो आप घर जाओ, बाय। सो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्यार के नाम पे यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जो नए नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी अच्छी अच्छी वीडियोज और आती रहेगी। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, और जो भी प्रॉब्लम है आप DM कर सकते हो, यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल चल रहा होगा। और गाइज, एक छोटा सा मैसेज है आप लोगों के लिए, प्लीज़ अगर प्यार किया ना तो निभाना सीखो, वरना साथ छोड़ने वाले ना गली गली में मिल जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, लव यू ऑल।